वैसे आपको नजर लगी है कभी बचपन? नहीं, ये ठेडा लगाओ। मैनू बहुत बड़ी लगी। क्यों? मैनू बहुत बुरा लगी है नजर। नजर ना ना कह मरे। मैनू बहुत बुरा लगी है। फिर तेनू बेटा कभी गड्डी लगती, कभी रक्षा लगता है। अरे कहना क्या चाहते हो? ऐ क्यों सी? अच्छा ये था। ओदी भी नींद खराब की थी। अस्सलाम वालेकुम, कसौटी एट ओपन माइक कैफे में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा, और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब और शकील चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो कैसे हैं आप? ठीक ठाक। हमारे पास चैलेंजर मौजूद हैं, डायरेक्ट उनके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? साद जावेद। साद साहब कहाँ से ताल्लुक है आपका? बेसिकली गांव से ताल्लुक है, यहाँ पे मैं जॉब करता हूँ। तो सर स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी साद साहब, शख्सियत मर्द है? जी मर्द है। जिंदा? नहीं। एशियाई? जी। साउथ एशियन? जी। पाकिस्तानी? जी। पाकिस्तानी मर्द जो जिंदा नहीं है। इंतकाल को 50 साल से ज़्यादा हो चुका है? नहीं। 25 साल से? जी। 1973 से 1998 के दरमियान। अच्छा तो हुकूमत प्रॉबेबली तला गंग से हैं, तो होना तो ये चाहिए। नूर खान, एयर मार्शल नूर खान। और एक और भी थे जो हमारे पहले फूड मिनिस्टर थे, व्हाट वाज नेम? राजा गजनफर अली। ही वाज फ्रॉम द सेम एरिया। राजा गजनफर अली इज गुड। नूर खान तो नूर खान। बहरहाल पंजाब में मेरा सबसे फेवरेट डिस्ट्रिक्ट हंटिंग के एतबार से, दोस्तों के एतबार से। अकवाल? नहीं जी, तलागंग इज अ डिस्ट्रिक्ट नाउ। डी नोटिफाई ना कर दिया गया हो? क्यों भैया, आप भी डिस्ट्रिक्ट ही है ना? नहीं सर, अभी तक होल्ड पे है। होल्ड पे है? ओहो, बुग्ज़े परवेज़ इलाही, अंडरस्टैंडेबल। अच्छा जनाब, इंतकाल को जो है वो 25 साल ऊपर से ऊपर और 50 से कम, ये बिल्कुल वही नूर खान साहब का जो है। नूर खान आई थिंक डाइड लेटर। चलिए सियासत और हुकूमत से शुरू करते हैं। सियासत और हुकूमत से शुरू, ये तलागंग वाले ज़्यादातर सियासत और हुकूमत और इल्म व फ़ज़ल भी। अच्छा जनाब, ताल्लुक इल्म व फ़ज़ल से है? जी। जी दैट इज अ बिग ब्रेक थ्रू है ना। एक डिस्कस करते करते फील्ड अभी नाम आया डायरेक्ट। क्वेश्चन कितने हुए हैं जी? तो 8 सवाल। 8? ओके। जरूरी नहीं कि उसी इलाके से हो। नहीं तो... नहीं बिल्कुल नहीं। और ये पहले शख्सियत हो नहीं चुकी? नहीं सर। इनके इलाके में देखा जाए ना तो इस पूरे एरिया में, देखिए खुशाब भी साथ ही है ना, तो देखा जाए तो खुशवंत सिंह। खुशवंत लेकिन पाकिस्तानी पर्सनालिटी? जी सर। पाकिस्तानी पर्सनालिटी। ताल्लुक सुबह पंजाब से? जी। राइटर हैं? 73 से 98। अदीब हैं, स्कॉलर हैं, ये दो डिस्टिंक्शंस करनी पड़ेगी। इनके इलाके को अगर जहन में रखा जाए तो स्कॉलर्स या ये जो है ना मजहबी शख्सियात। अच्छा ये बताइए साथ के ताल्लुक अदब से है? जी। 10 सवाल। अदब से ताल्लुक है और वजह शोहरत की तरफ आइए। मिजाह तो नहीं है? आई थिंक कर्नल मोहम्मद खान एंड ब्रिगेडियर शफीक था उनका नाम क्या? जनरल शफीक। जनरल शफीक, मेजर जनरल थे शायद। मेजर जनरल शफीक। बोथ ऑफ देम डाइड इन दिस पीरियड। 2000 वो 2000 है। ओके। 99 2000। जमीर जाफरी शायर थी। इस इलाके ने मजाक बहुत पैदा किया है। वजह शोहरत नसर है भैया? नो। अच्छा शायर, वेरी गुड, दैट इज हेल्पफुल। ताल्लुक पोठोहार से है? नो। 98 से पहले पहले इंतकाल जिन शोरा कराम का हुआ में बड़े शायरों में तो नासिर काज़मी यस, मुस्तफा ज़ैदी डाइड अराउंड दैट पीरियड, उफी तबस्सुम वगैरह, इस तरह के काफ़ी पर्सनालिटीज़ हैं। वजह शोहरत उर्दू शायरी है। उर्दू ये हमने डिटरमिन नहीं किया अभी। इस पीरियड में शोरा कराम बड़े बड़े जो हैं जिनका इंतकाल हुआ, नंबर 1 नासिर काज़मी है। उफी तबस्सुम पहले हो चुके हैं इसलिए वो नहीं होंगे।
उस्ताद दामन पहले हो चुके हैं इसलिए वो नहीं होंगे। फैज हो चुके हैं। फैज 84 है और पीरियड यही है। पीरियड यही है। फैज हो चुके हैं पहले। नो सर। मजीद अमजद, शब रफ्ता, लेकिन सबसे मशहूर तो इस शख्सियत, इस दौर की शख्सियत वो फैज ही है। नून मीम राशिद हो चुके हैं। जी सर। इब्ने इंशा का इंतकाल पहले हुआ था 78 में। सेम पीरियड। इब्ने इंशा, उन्होंने कह दिया जी नसर नहीं है वजह शोहरत। इब्ने इंशा नसर भी है उनकी, तो कमाल दरअसल नसर में है। उर्दू की आखिरी किताब बहुत शानदार, बहुत अच्छी नसर। इस कदर शगुफ्तगी बहुत कम राइटर्स में मिलेगी आपको। तो फैज को तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि सियालकोट में पैदा हुए, जिला सियालकोट, तो फैज विल बी एलिमिनेटेड। फैज एंड नासर वाज, नासर काजमी केम फ्रॉम होशियारपुर, अंबाला। अंबाला। और उनके बेटे हमारे टीचर थे उर्दू के गवर्नमेंट कॉलेज में, बासर सुल्तान। एंड ही नाउ लिव्स इन द यूके, इंग्लैंड। अब जी दो रह गए, फैज एंड नासर काजमी। दोनों इंतहाई कादावर, दोनों नज्म के भी और नसर के भी बरगे न। और उनका तो सियासत में भी बड़ा वो था ना, जेल भी रहे। और दीवान बहुत बड़ी किताब, बड़ी शानदार किताब दीवान। अच्छा, जालिब भी हो चुके हैं। अच्छा साद साहब बताइए कि बरगे नए के खालिक हैं? नो। जिंदा नामा के खालिक हैं? नो। दोनों निकल गए। 14 सवाल। मेरा क्यों हंस कह रहा है कि इज अ पंजाबी शायर? कुड बी। पंजाबी शोरा कराम में शरीफ कुंजाही हैं, जोगी जेलमी हैं, जाफरी हैं, क्या सैयद, क्या जाफरी, ये जो फिल्मी शायर हैं, अहमद राही। व्हेन डिड ही डाई? अहमद राही तरंजन। 2000 के बाद की है उनकी? हाँ जी, 2000 के बाद की, क्योंकि निकी जी, हाँ निकी जी, हाँ वॉज इन 2000 समथिंग, उसमें उनके गाने हो सकता है, गाने पहले क्यों नहीं, नहीं पहले क्यों नहीं हो सकता, लेकिन वो 2000 में उनका इंतकाल हुआ। वजह शोहरत पंजाबी शायरी है भैया? नो। 15 सवाल। उर्दू शायर कौन है जिस दौरान? कतील शिफाई कब इंतकाल हुआ उनका? कतील शिफाई तो उधर से नहीं थे, हजारा से? हाँ तो हमने पंजाब का, हमने पंजाब पूछा। ठीक है, सैफुद्दीन सैफ, बड़े शायर, मतलब फिल्मी शायरी भी पूछा जा सकता है। फिल्मी गाने लिखे? फिल्मी गाने तो बहुत सारों ने लिखे ना। ये लेट 90s की कोई शख्सियत, 90 में इंतकाल। उधर से शुरू करें ना जी, अटक से शुरू करें। पोठोहार नहीं है भाई, वो कह रहे हैं कि पोठोहार से ताल्लुक नहीं है। मैंने एक कह के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट पड़का। व्हाट अबाउट साउथ? साउथ से हो सकते हैं, साउथ के तौसवी साहब जो थे, नसर नगार थे। नहीं, वो शायर भी थे, ताहिर तौसवी, जाफर बलोच, गवर्नमेंट कॉलेज याद है, ताहिर तौसवी भी गवर्नमेंट कॉलेज में थे। साउथ में बड़ा शायर जो है, मशहूर तरीन शायर तो फिर वो है ना, क्या है, नकवी, क्या नाम है यार, मोहसिन, वो जो लाहौर में कत्ल हुए। जी जी, तो हो चुके हैं। जी हो चुके हैं, मोहसिन नकवी। बहुत अच्छा शायर, बड़ा अच्छा आदमी था। साद साहब, लाहौर से ताल्लुक था जी। ये इनका इंतकाल कब हुआ, ये जो नात, बड़े मशहूर नात, नातिया शायर, तायब? नहीं नहीं, हफीज तायब नहीं यार, जो वही तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है। व्हाट्स हिज नेम? मुजफ्फर वारसी। रीसेंट नहीं है वो? बहुत रीसेंट ही, रीसेंट रीसेंट मुजफ्फर वारसी रीसेंट है। The poet is slipping from our hands. आज अगर बुक स्टोर में जाएं तो किस शायर की किताबें नजर आएंगी? उस दौर के तो शायद ही फैज के अलावा और इनके अलावा नासिर काजमी के, किसी के भी। हाँ, एक अच्छा शायर उस दौर का इज़ फ्रॉम झंग, शकीब जलाली। लेकिन हमने वो क्लियर कर लिया कि लाहौर से था। लाहौर से। 16 सवाल। 16 सवाल मुश्किल लग रहा है। तबस्सुम वाली जो नस्ल थी उसमें शहजाद अहमद, शहजाद अहमद, लेकिन शहजाद अहमद वाज लेटर, शहजाद अहमद वाज लेटर। एक तो शहजाद अहमद वो जिन्होंने साइकोलॉजी वगैरह पे बुक्स भी लिखी है, वो तो बाद की बात है, काफी काफी बात। आई थिंक ही डाइड इन द लास्ट
10-15 ईयर्स वही है। अकल्ट पे उन्होंने लिखा है, उन्होंने साइकोलॉजी पे लिखा है, बड़े पढ़े लिखे आदमी थे। लेकिन ये फिर वही हो सकता है कि सूफी तबस्सुम के साथ 70s में अर्ली 80s में कहीं डेथ हो गई हो। सूफी तबस्सुम के साथ इंडिया से जो शायर आए मुनीर नियाज़ी के अलावा और इनके नासिर काज़मी, टेक्स्ट बुक्स में कौन कौन से शायर हैं जी हमारी मैट्रिक की किताब में, एफ ए की किताब में? हफीज़ जालंधरी। हाँ, उनका पीरियड बताइए ज़रा। एग्जैक्टली द सेम। Then it is Hafiz Jalandhari. Yes. वही मैं कह रहा हूँ कि he was born in 1901. Actually 1900. Hafiz Jalandhari. He died in the 80s. उनका बड़ा एक लतीफा है कि रेडियो पाकिस्तान इस तरह के जो एल्डरली लोग थे ना उनके इंटरव्यूज रिकॉर्ड करते थे। आइडिया ये था कि इनकी डेथ के बाद ब्रॉडकास्ट किए जाएं। वो जब 1.5-2 घंटे का इंटरव्यू दे के बाहर निकले ना, कहते तो इंटरव्यू मेरा करते रहे, मैं मरना शरना कोई नहीं। सर ये किस एज की बात है या मरने से कितने पहले की बात है? मतलब 10-12 साल मुश्किल होंगे। ओह, तो वो एयर किया गया पहले या उनकी जिंदगी में? बाद में किया। रियली? जोश मलियाबादी का उनकी जिंदगी में लीक कर दिया गया और उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स हुई फिर। ओह, अमजद इस्लाम अमजद, वो भी अब मरहूम है, उन्होंने शरारत की थी इनके साथ। हफीज जालंधरी साहब कहने लगे कि बस वो जब मुआवजा अपना मुशायरा होता है, मुशायरा लेने लगे ना जो मुआवजा, तो लिफाफा उन्हें पेश किया जाने लगा, तो ले लिया, कहते बस भैया ये आखिरी मुशायरा है, यूँ समझो जिंदगी का आखिरी मुशायरा। हम जैसे शाम हम जो कहते जान दो फीस साहब पिछली बारी भी तुझे यही किया। पिछली बारी भी तुझे गल्ला ही बनी है। लो जी, हफीज जलंधरी अगर ये है तो मैं बहुत अफसोस होता कि अगर हमारे हाथ से हफीज जलंधरी निकल जाए। नहीं नहीं, अभी हमारे पास चार सवाल हैं। फिर एक दफ़ा का मुझे याद है, वापडा हाउस की बेसमेंट में एक ऑडिटोरियम है, वहाँ कोई फंक्शन हो रहा था, तो एक साहब अपने बच्चे को लेके आए। अच्छा, कहते ये हफीज जलंधरी हैं, तो इन्होंने तराना लिखा है। तो वो बच्चा कहता अल्लामा इकबाल ने नहीं लिखा? कहता नहीं बच्चे, मैंने लिखा है, आप ही के लिए लिखा है। वो पूछा जी ईस्ट पंजाब से तशरीफ लाए थे? ईस्ट पंजाब से बहुत सारे तशरीफ लाए। कौन? हुशियारपुरी ना, तो फैल हुशियारपुरी। Who else? फिर अपना क्या नाम है ये नासिर काज़मी का तो खैर वो हमने उस तरह से रूल आउट कर दिया ना उनकी किताब का पूछ के। मतलब हम चार सवाल हैं तो उनको हम जुडिशियसली कंज्यूम करें। जलंधरी साहब का एक और जोक मैं सुनाता हूँ आपको। जी सर। ट्रेन में सफ़र कर रहे थे तो साथ वाले से तारुफ हुआ, उसने अपना नाम शाम बताया, तो इन्होंने मैं शाहनामा इस्लाम का खालिक हूँ, उसमें कोई हरकत नहीं हुई। फिर ज़रा झंझला के कहते हैं कौमी तराने का खालिक हूँ मैं, उसने कोई इम्प्रेस नहीं हुआ। तो तंग आके कहते हैं मैं हफीज जलंधरी हूँ, वो जनाब खड़ा हो गया, अच्छा तुम भी जलंधर दे हो? तो जलंधरी डाकखाना जो है ना। इनका चंद दिन पहले मैंने एक लतीफ़ा सुनाया था और ये नस्ल दर नस्ल चलता है सीना गैजेट से। तो एक डॉक्टर आया इनका मुआयना करने, तो कहते जलंधरी साहब थोड़े को आखिरी चांस है, गया बहुत रेस्ट करया करो, और कोई भी दिमागी काम नहीं कर रहा, कोई दिमागी काम। कहते मैं शाहनामा इस्लाम लिख रहे हैं, कहते वो लिख दे रहो। और बड़े मौसीकार थे, पता है आपको मौसीकी से बड़ा गहरा ताल्लुक। सुना कि नेहरू के बड़े फैन थे। हाँ, नेहरू के वैसे बहुत कम लोग होंगे जो फैन नहीं थे। नेहरू तो बड़ी बागो बहार से बड़ा आंसुओं से रोए जब नेहरू की डेथ की खबर मिली। नेहरू बड़े बाकमाल शख्स का नाम है। उनकी दुख्तर नेक अख्तर वॉज नॉट हाफ एज ग्रेट एज नेहरू साहब वॉज। अच्छा जनाब, ईस्ट पंजाब से शुरू कर लें, अभी है हमारे पास 3-4 सवाल। अच्छा जी, ताल्लुक साथ ईस्ट पंजाब से था जी। जलंधर से तशरीफ लाए थे जी। पाकिस्तान का कौमी तराना लिखा बिल्कुल हफीज जलंधरी। जूम पे हमारे साथ मौजूद है हमारे नेक्स्ट चैलेंजर जो के हमारे पेट्रन भी हैं। सो अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। आपका नाम इरफान भट है? जी जी, मेरा नाम इरफान है भट साहब। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सऊदी अरेबिया से बात कर रहा हूँ। तो आपको वेलकम करते हैं कैफे में एंड कसौटी में। इरफान साहब, थैंक यू सो मच डॉक्टर। इरफान
इरफान साहब शख्सियत जिंदा? नो सर। मर्द? यस सर। एशियाई? नो सर। एक मर्द जिनका इंतकाल हो चुका है एंड ही इज नॉट एन एशियन। इंतकाल को इरफान साहब 50 साल से ज्यादा हो चुका है? यस सर। 1973 से पहले? 100 साल से ज्यादा। 100 साल से ज्यादा? जी सर। 1923 से पहले? 200 साल पे मेरा जाया जाए। आप इलाका क्यों डिटरमिन करते पहले? मोस्ट प्रोबेबली यूरोप। ताल्लुक यूरोप से इरफान साहब? जी सर यूरोप से। ऑल द मोर रीजन टू गो ओल्ड पर्सनालिटीज। तो इंतकाल को 200 साल से भी ज्यादा हो चुका है? जी सर। 1823 से पहले? 1823 से पहले। ताल्लुक मेनलैंड यूरोप से? जी सर। तो 500 साल पे जाया जाए। 500 साल पे कहाँ बनेगा सर? 1523। 1523 पोस्ट रेनेसांस पीरियड है। आप 500 की बजाय 600 साल करें। इंतकाल को 600 साल से ज्यादा हो चुके हैं? नो सर। 1423 के बाद? 1423 से 1823। 1823 मुल्क 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 या शोभा? सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप? ईस्टर्न। क्वेश्चन बहुत लग जाते हैं। ये तो साइंसदान होगा या फिर कोई पेंटर होगा। और क्या आप पूछना क्या चाहते हैं? मतलब शोभा जो है, चलिए कोई साइंसदान है इरफान साहब? जी जर्मनी। साइंसदान है। 10 क्वेश्चंस। 1500 से सर 1400 से 1823। वो जर्मनी के जो थे जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस ईजाद किया वो इसमें आ जाते हैं। गोटेनबर्ग आई थिंक। गैलीलियो हो चुके हैं ना? नो सर। कोपरनिकस उनसे पहले थे? कोपरनिकस हो चुके हैं। वो हो चुके हैं। साइंसदान तो मैथमेटिशियन ओनली मैथ में कौन? कैपलर। जर्मनी डिटरमिन करें ना पहले। आप तो मेरे ख्याल पूछा जा सकता है जर्मनी से। ताल्लुक जर्मनी से इरफान साहब? नो सर। नो सो इट इज नॉट गोटेनबर्ग। कैपलर वाज फ्रॉम पोलैंड क्योंकि कोपरनिकस वाज फ्रॉम पोलैंड। उधर से ही होगा। मैथमेटिशियन पूछे। गैलीलियो वाज फ्रॉम इटली लेकिन वो मैथमेटिशियन नहीं था। ये था पॉलीमैथ था। एस्ट्रोनॉमर। हाँ वो तो उस जमाने में सारे ही तकरीबन क्योंकि लोग फारिग होते थे इसलिए बहुत पढ़े लिखे थे। या बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे। हम ज्यादा पढ़े लिखे इसलिए नहीं कि हम फारिग नहीं है। इस जमाने का कोई मुस्लिम साइंटिस्ट तो नहीं है? दे वर बिफोर दिस एरा। बिफोर दिस इब्न हसम इससे पहले। अली सीना। इब्न रुश्द। गैलीलियो के इम्कानात काफी है। तो मुजद पूछा जा सकता है। बड़े मुजद क्योंकि कैपलर वाज आल्सो मुजद। हु एल्स अमंग गैलीलियो? एनीहाउ ओ मुजद। ताल्लुक इटली से मुजद। हाँ मुजद इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव। अच्छा जी कोई बहुत बड़े मुजद थे? जी मुजद भी कह सकते हैं। मुजद भी कह सकते हैं। यानी को बड़े मुजद यानी मैंने जो सवाल पूछा था ना खासतौर पे कहा कि बहुत बड़े मुजद तो इसका वजह ये थी कि कोई एक चीज़ जो उनकी वजह शोहरत बनी जैसे गैलीलियो की वजह शोहरत उसकी ईजाद है उसकी कंट्रीब्यूशन या उसकी इल्म व फजल नहीं है उसकी ईजाद है तो इस हवाले से पूछ रहा हूँ कि कोई ऐसे मुजद थे? जी जी आप कह सकते। और उनका ये जो अर्थ की रोटेशन वाला है वो भी बड़ा वो था जिसकी वजह से उनको सजा दी गई। चर्च ने अभी रिस्टोर किया है ना उनको रिसेंटली कि हमने गलत किया था उसको सजा पॉस्थमस। ताल्लुक फिर इटली से? इटली जी। गो अहेड। ताल्लुक इटली से इरफान साहब? जी सर। ओके शकील साहब की शक्ल पे एक अंदरूनी खुशी आई। शुक्र है आपने फातिहाना मुस्कुराहट नहीं कहा। नहीं आप लाइक पता ना अगर आप मुझसे पूछती तो मैं फातिहाना खबासत करता। गैलीलियो ज़मीन की मूवमेंट के हवाले से एक पैराडाइम शिफ्ट और फिर चर्च का आताब। कोई और भी देखें कोई और भी देखें भाई ये पोस्ट रेनेसांस में तो ये सबसे अहम आदमी यही है। और जो हमारा वो प्रोमिनेंट वाला क्राइटेरिया है उस पर भी पूरा उतरते पूरा उतरता है। यस फिर भी सोच लें तो लेसर नोन तो बेशुमार होंगे। चलें गो अहेड। इरफान साहब इन्होंने जो नज़रिया दिया ज़मीन की रोटेशन के हवाले से चर्च ने मुखालफत की वही साहब हैं ये? जी सर।
लो। आपने गलीलियो का पूछा? जी जी बिल्कुल। शकील साहब ने दोनों सवाल इकट्ठे पूछे, चर्च हा? वाला भी और रोटेशन वाला भी। कि एक से दूसरे सवाल पे ना जाना पड़े। थैंक यू वेरी मच इरफान साहब, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ हमारे नेक्स्ट चैलेंजर भी जूम पे हैं, जो कि हमारे पेट्रन हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जफर अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम। फ्रॉम द यूके। वालेकुम सलाम। जी सर। जी अवान साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर। और बड़े फ्रेश लग रहे हैं आप, लगता है बड़ी तगड़ी शख्सियत लेकर आए हैं। अच्छा अवान साहब, मैं खास तौर पर मेंशन, अच्छा मैंने चारपाई देखी नहीं, वो चारपाई के बड़े चर्चे हो रहे हैं मेरा ख्याल है, तो टीवी चैनल पे भी खबर आ रही है। चारपाई भी है, चाटी भी है, दैट थिंग। अच्छा, और एक कुआं सा भी लग रहा है मे बी। नहीं तो ये सामने आ गए, कुआं भी है। आप जरा एक साइड पे होंगे, मैं देख नहीं पा रहा आपकी ये तमाम जो है ना। वाह 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 वाह, चारपाई है और चारपाई भी लग रहा है निवाड़ी हैगी, निवार वाली। दो चारपाइयां हैं साथ में, वो जो मिट्टी का वाटर कूलर होता है ना, मिट्टी वाला कूलर या गढ़ा, घड़ा सूतर की। वाह 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 वाह, ओके। अच्छा लस्सी। अच्छा चलें जी सामने आ जाइए, एक्सेलेंट। थैंक यू। तो आप हैं किधर अवान साहब, इस वक्त किधर हैं? मैं जी रेडिंग। रेडिंग, रेडिंग। ठीक है, हीथरो के पास है रेडिंग। करीब जी, इट इज रेडिंग, लेडी रेडिंग वाला, इट इज इन रेडिंग वाला, ये मिडिल सेक्स के करीब होगी। ये मिडिल सेक्स, ये बॉक्सशायर है, रॉयल बॉक्सशायर, विंडसर के पास, जहां से ये रॉयल्स हैं, विंडसर के पास। अच्छा जी, शख्सियत मर्द है? जी सर। जिंदा? नो। एक मर्द जो जिंदा नहीं है। ताल्लुक एशिया से? नो। यूरोप से? जी यूरोप से। एक शख्सियत जिसका ताल्लुक यूरोप से है, यूरोप तो फिर बर्तानिया या मेनलैंड? मेनलैंड से शुरू कर लें, वो एक ही बात। मेनलैंड यूरोप से ताल्लुक है? मेनलैंड यूरोप जी। अच्छा जनाब, एक शख्सियत जिसका ताल्लुक मेनलैंड यूरोप। अभी हमने ये नहीं किया, जेंडर नहीं किया डॉक्टर साहब, हो गया सर, पहला सवाल हो गया। सवाल होता ही है। शकील साहब ये सवाल नहीं सुनते, अगला सुनते। ठीक है जी। एक मर्द जो जिंदा नहीं है और ताल्लुक मेनलैंड यूरोप से है। इरा जी। इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुका है? जी सर। 1973 से पहले 100 साल? 100 साल पे जाया जाए जी। जाइए। 100 साल से ज्यादा अवान साहब? जी नहीं। 1923 से 1973 के दरमियान, तो फिर 75 पे इसको डिवाइड किया जाए। नहीं क्यों, 1923 से 1973। अब मुल्क पे आ जाए, शख्सियत पूछ लेंगे आप, सिर्फ मुल्क पे आ जाए, सिर्फ मुल्क पे आ जाए। और शोभा, ये ईस्ट यूरोप, ईस्टर्न यूरोप, ये जो पीरियड है ना, ये ईस्टर्न यूरोप का है। शोभा रशिया, सियासत हुकूमत है क्या भाई? नहीं नहीं, पहले पोर्शन पे आए। ये ताल्लुक ईस्टर्न यूरोप से है अवान साहब? जी नहीं। सेंट्रल यूरोप से है? सर आप बता दीजिए उनको कि सेंट्रल यूरोप में क्या क्या आता है। सबसे अहम तो जर्मनी है ना, जर्मनी है, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड। जी सर, सेंट्रल यूरोप है, मेरे ख्याल में ये वेस्टर्न यूरोप था, बारह सेंट्रल यूरोप के। वेस्टर्न तो पॉलिटिकल सेंस में है ना, जर्मनी पे आया। जर्मनी सबसे इम्पोर्टेंट है, बिस्मार्क कर चुके हैं। हाँ वो तो पहले का है इससे। हाँ बहुत पहले का, पहले का। अवान साहब ताल्लुक जर्मनी से है? जी सर। वेरी गुड। 10 सवाल। इरा जरा बताएं, 23 से 73? जी सर। 23 से 73 जी सर। 23 to 73, वर्ल्ड वॉर टू की शख्सियत, ठीक है जी। आई थिंक विली ब्रांत डाइड इन दिस पीरियड, ही वाज अ ग्रेट स्टेट्समैन, स्टेट्समैन, चांसलर थे वो, और उन्होंने कोशिश की है वर्ल्ड वॉर को थोड़ा डिफ्यूज करने की। वर्ल्ड वॉर टू की शख्सियत हो सकती है, फौजी शख्सियत, नाथसी जर्मनी की कोई शख्सियत। पूछ लो नाथसी जर्मनी, नाथसी जर्मनी की शख्सियत है कोई? जी सर। अब गोएबल्स भी हो सकता है, गडेरियन भी हो सकता है, रोमेल भी हो सकता है, ये तीन बड़े बदनाम जमाना, मोस्ट इन्फेमस जनरल्स ऑफ। गोरिंग भी था ना, क्या था? गोरिंग भी है, लेकिन गडेरियन बड़ा भयानक था, गोएबल्स बड़ा घटिया था। गोएबल्स पहले हो चुका है कि नहीं?
No, sir. Goebbels had a PhD? In? I think history thi, kya tha? And he is known for his propaganda techniques. He was a minister for enlightenment and propaganda. Wow, wow, wow. हिटलर के साथियों में से कोई एक शख्सियत, अगर नाथसी जर्मनी है तो फिर हिटलर का कोई करीबी साथी होगा। कोई मुखालिफ तो नहीं हो सकता, कोई इतना वेल नोन नहीं है, कोई वेल नोन नहीं। वो पिछली सदी के थे, हैमलर एंड मर्सिडीज वगैरह जो थे। हैमलर पिछली सदी का था? अरे नाथसी जर्मनी का तो मेरा नहीं ख्याल, नाथसी जर्मनी से उसका ताल्लुक नहीं। अवान साहब, अडॉल्फ हिटलर के करीबी साथियों में से एक समझा जाता है? जी सर। Then most probably Goebbels. Goebbels ही होगा, लेकिन रूल आउट ये किया जा सकता है मिलिट्री से भी ताल्लुक था या मिलिट्री से ताल्लुक था, तो रोमेल रूल आउट हो जाएगा। नहीं, गडेरियन वाज अ जनरल, रोमेल वाज अ जनरल, गोरिंग वाज अ जनरल, पूछा जा सकता है कि मिलिट्री से ताल्लुक, लेकिन Goebbels वाज नॉट अ जनरल। नहीं नहीं, वो नहीं। तो वाज ही अ जनरल ऑफिसर? मिलिट्री से ताल्लुक था? आई डोंट थिंक सो। No. अच्छा, बस फिर प्रोपेगेंडा। या तो उनका मिनिस्टर, जिसको मिनिस्टर ऑफ प्रोपेगेंडा एंड एनलाइटनमेंट कहा जाता था, वो थे जी सर, जोसेफ Goebbels। या दैट्स राइट। थैंक यू सो मच अवान साहब। थैंक यू। अवान साहब, आपका कहां से ताल्लुक है पाकिस्तान में? चले अवान साहब, हम अगर चक्कर लगाते हैं अगस्त में इंशाल्लाह, तो फिर आपसे मुलाकात होगी मोस्ट होपफुली। बिल्कुल इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह जरूर होगी। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू आप। अवान साहब, थोड़ा सा अगर आप कुछ चेयर मूव कर लें, तो हमें शॉट चाहिए जो आपने चार पाई दिखाई थी पहले। वाह जी वाह। अच्छा, एंड इट इज सूतर। व्हाट, भाई कमाल। सूतर जी, जी सूतर। कमाल कमाल कमाल। ओके, अच्छा, और ये वेल भी है और मिट्टी के घड़े भी हैं। आपने खूब यहाँ पर पेंड लैंड बनाया हुआ है, माशाल्लाह। अंदरू पेंडू मान जी, मैं भी असी भी खालिस 24 कैरेट पेंडू है। जी जी जी, बिल्कुल मन पता है। ओके, अच्छा यार, मेरी शक्ल से लगता है अवान साहब, लोग मुझे देखते ही कहते हैं भी ये पेंडू है। ये शायद ठीक है, गल हम छुपाना चाहें भी तो नहीं छुपा सकते, थैंक गॉड। आप रेडिंग यूनिवर्सिटी के नेबरहुड में रहते हैं, और ये एक छोटी सी एक नेगेटिव बात पूछने लगा, आपके घास का सत्यानाश बर्फ ने किया? नहीं नहीं, मेरा ये इतना ट्रैक्टर खराब था, मैं काट नहीं सका इसको काफी टाइम। अच्छा, नहीं, ये ओवरग्रोन, ये बहुत बड़ा हो गया था, इसको ठीक करवाते करवाते बहुत बड़ा हो गया था। नहीं, ये लॉन को अशद जरूरत है आपकी अटेंशन की। जी जी, वो पानी दे रहा हूँ उसको, मगर काट नहीं सका तो इसलिए ब्राउन हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, ये अभी अभी ये अब ग्रासी ग्राउंड की बजाय प्रेरी लगता है। जी जी जी, बिल्कुल ऐसे। चले अवान साहब, थैंक यू वेरी मच, जीते रहिए, खुश रहिए, हंसते बसते रहिए, इस घर की तजीनो आराइश मजीद करते रहिए, अल्लाह आपको सलामत रखे। थैंक यू, थैंक यू सो मच अवान साहब।